चाहे वो किसी एक्सीलेटर से हो या हे बेलर हो, अभी ये है हे बेलर यानी रोड ग्रास में जो बेल होती है उनको बड़ी बेल में कन्वर्ट करने के लिए। डीजल इंजन है जी, डीजल इंजन ऑपरेटेड है, ये उसका कपलिंग है उसके पंप के साथ, ये हाइड्रोलिक पंप है, ये एंड्रॉइड मैटिनेस है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। ऊपर ये सीट बनी हुई है ऑपरेटर के लिए, ये दो टैंक हैं हाइड्रोलिक ऑयल के, ये एयर बॉक्स है इंजन का और फिर रिक्वायर्ड जो इसकी आती है वो उस पर चलाते हैं, ये रेडिएटर है, फिल्टर लगे हुए हैं, एल्बोज हैं जी जो इसको हाइड्रोलिक सिस्टम है उसकी सप्लाई और टर्न लाइन, उस पर नई सी नाज लगानी होगी। ये जो है एल्बोज वगैरह हैं ये सीधी वो जो पंप वो असेंबली लगी हुई है, पंप से जो है लाइनें दो जाती हैं ऑपरेट उसको ऑपरेट करता है और चेक प्रेशराइज होता है। ये जना ऊपर का मंजर हो गया इसका, हाइड्रोलिक टैंक, हाइड्रोलिक ऑयल के ऑपरेटर सीट, ये ऑपरेटिंग असेंबली, ट्यूबर पंप और वो सामने इंजन, और ये लंबा सा जो पाइप है ये इसका हाइड्रोलिक जैक, ये उसका प्रेस प्रेसिंग पैड जो बनाया हुआ है ये इसके अंदर चलेगा, यहाँ पे बेल मटेरियल डाला जाएगा और इसको प्रेस करके वो आगे ले जाएगा, इसको मैक्सिमम प्रेस करके श्रिंक कर लेगा और छोटे साइज में बेल निकाल के बाहर निकाल। अब इसका काम कर रहे हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम है इसकी असेंबली के, ये सामने नई यूनियन वगैरह लगाई गई हैं और इसमें नई एयरपोर्ट डाली जाएंगी और इसको रिपेयर किया जाएगा।